का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक बार नहीं बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने किया है। पिछड़ों से माफी तो नहीं मांगी, डराने दबाने का काम, हल्ला करने का काम, संसद सत्र को खराब करने का काम ये सब किया। विदेशी ताकतों से मदद मांगने का काम ये कांग्रेस ने किया। आखिरकार दबाव किसके ऊपर बनाना चाहते हैं, किसको डराना चाहते हैं? क्यों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सब कामकाज छुड़वा के यहां पर लाना चाहते हैं? ये पिछले तीन वर्ष जब मुकदमा चल रहा था तब श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तब क्यों नहीं लाई इन सब? और माफी मांगने और अपील करने तो उसी दिन जा सकते थे, क्यों नहीं गए? कांग्रेस को उसी दिन पता था कि जिस समय दो साल की सजा राहुल गांधी जी को ही, उसी समय उनकी सदस्यता चली जाएगी। जैसे इससे पहले 13 और नेताओं की, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद और विधायकों की, 13 लोगों की सदस्यता ऐसे ही गई, लेकिन कांग्रेस ने ड्रामा रचा राहुल गांधी के समय।